आयुर्वेदिक उपचार में आपका स्वागत है दोस्तों। आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल में हर प्रकार के रोग का इलाज आयुर्वेदिक दवाओं और नुस्खों द्वारा बताया जाता है, जो कि वैद्य और हकीमों द्वारा बताए गए तरीकों पर आधारित होता है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे आयुर्वेदिक औषधि महानारायण तेल के बारे में। इसके गुण और उपयोग की बात करें तो इस तेल की मालिश करने से पसीने की दुर्गंध शीघ्र नष्ट होती है और समस्त प्रकार के वात रोगों को शीघ्र नष्ट करता है। इस तेल को पीने, अभ्यंग मालिश करने, भोज्य सामग्री में मिलाकर खाने और बस्ती के रूप में सब प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इस तेल के सेवन से सभी प्रकार के वात व्याधि, विशेषतः एकांगवात, अर्धित और हस्त पदादि कंपन, पंगु यानी कि पीठ के बल चलना, वार्धीर्य, शुक्रशय, मन्यास्तंभ, हनुस्तंभ और शीर्षूल आदि रोग शीघ्र नष्ट होते हैं तथा बलवर्ण की वृद्धि होती है। इस तेल के सेवन से बंध्या स्त्री सब प्रकार की योनि दोषों से मुक्त होकर शूरवीर, सर्वगुण संपन्न, धारण शक्ति एवं शोभायुक्त, विनयशील संतान को उत्पन्न करती है। शाखात्रित्वा, कोष्ठगतवात, जिहास्तंभ, दंतमूल, उन्माद, कुब्जता यानी कि कुबड़ापन, ज्वर आदि के क्रूश हुए मनुष्यों के लिए उत्तम लाभदायक है। इस तेल के प्रभाव से मनुष्य लक्ष्मीवान, शरीर कांति युक्त, स्त्री प्रियता, शरीर की प्रखरता आदि से युक्त होता है। वृद्धावस्था से मुक्त होकर शक्ति संपन्न हो चित्रकाल तक जीवित रहता है। जानते हैं इसके घटक के बारे में। इसे घटक की बात करें तो बेल छाल, असगंध, बड़ी कटेरी, गोखरू, सोनापाठ, खरेची पंचांग, पारिभद्र, छोटी कटेरी, पुनर्नवामूल, गानियार, कंधी, गंध प्रसारणी, पाटला इत्यादि का मिश्रण है। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।